हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग जी। आवाज प्रॉपर है? यस। सो स्टूडेंट्स, आज अपन ने ना क्लास दे विच दुनिया दी एक कंट्री है, अपने ग्लोब दे ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। उस स्विट्जरलैंड के सिस्टम के बारे में तुम दसूंगा, ते कुछ अनोखा सिस्टम है उत्थे, बिल्कुल अनोखा सिस्टम है, यूनिक सिस्टम है। तो दुनिया के बहुत सारी कंट्रिया के विच जिहड़ा भी सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है, उन्होंने विचों यूनिक सिस्टम चल रहा है स्विट्जरलैंड के विच। कुछ हैरान कर देने वाली चीजा, जिमें कि स्विट्जरलैंड जाने जाता है अपनी खूबसूरती वास्ते, उत्थे दे लोग अपने देश नाल बहुत प्यार करते हैं, बहुत देश भगती है। तो उसी तरीके दे नाल की उत्थे यूनिक चीजा भी ने। जे दुनिया दे विच स्विट्जरलैंड एक यूनिक कंट्री है तो उत्थे दा संविधान भी यूनिक है गाइस। तो स्विट्जरलैंड हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इनैक्टेड एंड रिटन एंड ड्राफ्टड बाय द स्विस पार्लियामेंट कमेटी इन 1848 एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द कैंटोन्स एंड द स्विस पीपल। सुनियो, ध्यान रखियो, जो स्विट्जरलैंड का संविधान सी वह पहली बार ना 1848 च बनिया सी। 1848 दे विच बनिया सी ते 1848 दे विच उत्थे केड़ी डायरेक्ट डेमोक्रेसी दी शुरुआत हुई सी। 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दे विच की है, अपने इंडिया नू वंड दिता गया है अलग अलग भूगोलिक खेतरां दे विच, छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच वंडता। जिमें कि इंडिया नू पहला तो वंड दिता गया है स्टेट्स दे विच, स्टेट्स तो बाद की है डिस्ट्रिक्ट दे विच, डिस्ट्रिक्ट दे विच वंडता। तो हर एक स्टेट दे विच की है एमपी भी खड़ा होएगा ते एमएलए भी खड़ा होएगा। इस नू आम लोग वोट पाणगे, आम लोग वोट पाणगे ते आम लोग जिस एमपी नू ते एमएलए नू जिस पार्टी नू वोट पाणगे ओह पार्टी जे जित जांदी है ता ओह अपने ते राज करनगे। कहण दा मतलब की है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दा, कि आपां ने अपने ते राज करन वास्ते अपने उम्मीदवारां नू वोटां पाईआं ने कि आजो साडे ते राज करो, साड़ी स्टेट का कल्याण करो, साड़े लोगों के मौलिक अधिकारों का, साड़े लोगों जिहड़ियां सोशल इकनोमिक कल्चरल डिमांड्स ने उन्होंने फुलफिल करो ते साड़े वास्ते की है लॉ बनाओ, ओह लॉ बनाओ जिस दे नाल की है साड़े समाज का कल्याण हो सके। पर यह किसी बिल नूं पास करते ने, पास करन तो बाद उत्थे दे गवर्नर स्टेट दे विच गवर्नर परमिशन दूगा। तब देखो जी, जे कोई एमपी बिल बना रहा है तो उस वह एक्ट कदों बनेगा? जो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो बिल तो एक्ट बन जाऊगा। जे कोई एमएलए कोई बिल क्रिएट करते हैं स्टेट के, उत्थे कौन परमिशन देगा? गवर्नर जे परमिशन देगा तो वह एक्ट बन जाऊगा। तो उस तो बाद अपना कोई रोल नहीं है, अपना कोई रोल नहीं है। पर जे मैं थोड़ा स्विट्जरलैंड की गल करा, स्विट्जरलैंड दे विच उत्थे दी पार्लियामेंट कानून बनाउंदी है, यस बनाउंदी है, उत्थे दीआं स्टेट्स भी मंजूरियां दिंदियां ने, उत्थे दे राज भी मंजूरी दिंदे ने, पर एंड दे विच लोकां दे हत्थां दे विच पावर है। लोकां तो पुछिया जांदा है उस बिल नू पास करन वास्ते, लोकां दी इक लाइन, लोकां नू उस बिल दे बारे पहला ही रूबरू करवा दित्ता जांदा है। 50,000 लोकां दी मंजूरी की जरूरत होंदी है 3 महीनों के अंदर अंदर। जे 50,000 लोगों की मजोरिटी, उन्होंने सिग्नेचर की मजोरिटी, उन्होंने यस की मजोरिटी के
रेफरेंडम हो गया, मतलब उस बिल वास्ते की है आम लोगों तो राय ली जाऊगी, उस लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू की है पहला ही अवेयर कर दिया जाऊगा कि भी इस बिल दे विच एह एह फायदे ने ते एह एह नुकसान ने, इस स्विट्जरलैंड की इकोनमी इस चीज के फायदे ने, स्विट्जरलैंड की इकोनमी इसके की है ड्रॉबैक ने। लोग बहुत ज्यादा उत्थे अवेयर ने, पापुलेशन घट है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, एजुकेटेड ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, डेडिकेशन इफेक्शन अपनी कंट्री के नाल बहुत ज्यादा है, तो वह लोगों तो आखिर दे विच लोग रेफरेंडम लोगों तो एंड दे विच राय लिती जाऊगी, जे लोगों ने मंजूरी देती तो वह लीगली बाइंडिंग होगा, वह कानूनी तौर के उपर वैध होगा, वह लागू होगा, तो लोगों के हाथों च पावर है तो इसन ही बोलते हैं डायरैक्ट डेमोक्रेसी। अपने लोगों तो नहीं पूछा जाता, अपन बाद पता लगता कि अच्छा 5 महीने या फिर 5 साल पहला यह एक्ट पास करता सी सरकार ने, अपने पापुलेशन ज्यादा है, लिटरेसी रेट घट है, एजुकेशनल क्राइटेरिया घट है, अवेयरनेस घट है, नो डाउट सोशल मीडिया से सारे एक्टिव ने, पर फिर भी अपन पता नहीं लगता। तो यह डायरैक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड के विच पॉसिबल ता है कि क्योंकि उत्थे की है पापुलेशन घट है, अवेयरनेस ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, बहुत मैटर करता है लिटरेसी रेट, मतलब कि पढ़े लिखे होना, सूझवान होना, देश दियां हर एक छोटी तो वड्डी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टिविटीज दे विच की है पार्टिसिपेशन करना। अपने इंडिया दे विच इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, पर की अपने इंडिया दे विच डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है? यस गाइस, अपने इंडिया दे विच डायरेक्ट डेमोक्रेसी पता कितने चलती है? डायरैक्ट डेमोक्रेसी अपने इंडिया दे विच जे एग्जाम्पल होएगी दुनिया दे विच, डायरैक्ट डेमोक्रेसी दी एग्जाम्पल केड़ी कंट्री है? स्विट्जरलैंड है। पर दुनिया दे विच डेमोक्रेसी दी डायरैक्ट डेमोक्रेसी दी एग्जाम्पल तो यही है, पर अपने इंडिया दे विच डायरैक्ट डेमोक्रेसी दी एग्जाम्पल की है? उसका नाम है ग्राम सभा। लिख लियो, नोट कर लियो, यह एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोनों पता लग गया डायरैक्ट डेमोक्रेसी ते इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। इसनों डायरैक्ट रिप्रजेंटेटिव भी बोलांगे ते इसनों इनडायरैक्ट रिप्रजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि पंजाबी दे विच बोलते हैं। ओके, 1848 दे विच स्विट्जरलैंड दे विच डायरैक्ट डेमोक्रेसी आई है, थोनों समझ आ गया कि मेन पावर लोगों के हाथों के विच है, लास्ट के विच लोग मंजूरी देंगे उस बिल नूं पास करना है या नहीं करना। देखो इस टाइम यूरोप है, यूरोपियन यूनियन के विच ना बहुत सारिया कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन एक संघ है, स्विट्जरलैंड यूरोप के विच आउंदा है, यूरोप के एरिए दे विच खेत्रफल दे विच आउंदा है, पर थोनों पता इसने यूरोपियन यूनियन नूं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उत्थे दे लोग राजी नहीं ने, वो कहंदे असी अपनी कंट्री नूं की है यूरोपियन यूनियन तो अलग रखना है, दूर रखना है। यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1848 च डायरैक्ट डेमोक्रेसी आई स्विट्जरलैंड दे विच, पर उसनों पास किना किना ने किया सी, उसनों अप्रूवल किस किस ने दी सी? उत्थे दे पार्लियामेंट ने, उत्थे दे पार्लियामेंट दे, उत्थे दे संसदी कमेटी ने, उस तो बाद उत्थे दी कैंटोन्स नू गाइस बोलदे हुन्ने आपां, स्टेट्स और प्रोविंस, मतलब प्रांत, सूबा, खेतर, कि तुसी केड़े प्रांत तो बिलोंग करदे आ? मैं पंजाब प्रांत तो बिलोंग करदा, तां स्टेटां दी गल कर रहे हां। उत्थे दी स्टेटां ने मंजूरी दित्ती, उत्थे किन्नियां स्टेट्स ने? उत्थे 26 स्टेट्स ने। तीजे नंबर ते किसने मंजूरी दी सी? स्विट्जरलैंड दे लोकां ने आखिर दे विच की है मंजूरी दी सी, स्विट्जरलैंड दे लोकां ने आखिर दे विच मंजूरी दी सी। तां आ तुहानूं चीजां समझ आ गईआं होणगे आई होप। इस तो बाद अगे वधांगे, इस तो बाद द पार्लियामेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, मतलब आपां
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ 26 ਕੈਂਟੋਸ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 26 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਗਣਤੰਤਰੀ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਗਣਤੰਤਰੀ, ਯੈਸ ਸੰਘਾਤਮਕ ਗਣਤੰਤਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕੈਂਟੋਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਮਿਊਨਲ, ਕਮਿਊਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਕਿਸਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 79, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ। ਦੋ ਸਦਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਇਜ਼? ਇੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਟੂ ਚੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਨ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਦਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 4 ਈਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਦੇ 200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਈਚ ਕੈਂਟੋਨ ਫੋਰਮ ਅ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਐਂਡ ਕੈਂਟੋਨ ਹੈਵ ਵਾਸਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, 5 ਸਮਾਲਰ ਕੈਂਟੋਨ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੈਂਡ 1 ਡੈਪਟੀ ਟੂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦੀਸ ਡੈਪਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ,
ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਪੀ 13 ਐਮਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 80 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੀ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੀ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਕੈਂਟੋਨ ਆਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ। ਦੇਖੋ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨ ਨੇ, 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਨੇਟ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 2 ਸਦਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 2 ਸਦਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਕੈਂਟੋਨ ਆਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟ। ਮੋਸਟ ਕੈਂਟੋਨ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਟੂ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪਰਸਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ 6 ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 46 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ 46 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਡ ਐਵਰੀ ਆਫਟਰ 4 ਈਅਰ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 2 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਊ ਔਰ ਚੇਂਜਡ ਲਾਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ,
दो सदन ने ना, जो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट के दो सदन ने, केड़े केड़े सदन? नेशनल कौंसल ते कौंसल ऑफ स्टेट्स। ओह इत्थे इकट्ठे हुंदे ने नेशनल असेंबली दे विच। इत्थे इकट्ठे होण तो बाद की आ, ओह डिबेट करदे ने, बहस करदे ने मुद्दियां दे उपर कि केड़े केड़े फायदेमंद ने। डिबेटेड इंडिविजुअली इन बोथ चैंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे मेट इन कंकरेंट सैशन। आम तौर दे उपर की आ, इह अपने सैशन दे दौरान ही मिलदे ने। जदों देखो अपने इंडिया च तीन सैशन होंदे ने साल दे, बजट सैशन, मॉनसून सैशन ते विंटर सैशन। तां उत्थे भी सैशन होंदे ने, इह कहिंदे उत्थे भी सैशनां ते मिलदे रहिंदे ने। पर कई वार की है कोई अजिहा मौका आ जांदा है, स्पैशल सैशन अरेंज करना पैंदा है, ते ओह कहिड़े डेज होंदे ने? इलैक्शन डेज दे उपर, इलेक्शन डेज के उपर होंगे ने। तो इतने गवर्नमेंट के मैंबर भी आते हैं, जजिस भी आते हैं, उत्थे दी कोर्ट दे, उत्थे दी कोर्ट दे जजिस भी आते हैं। ते नाल ही नाल की है गवर्नमेंट मैंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अगे लेगिसलेशन प्रोसेस ऑफ, लेगिसलेशन प्रोसेस ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो विधि विधान है, स्विट्जरलैंड के विच कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना, जो स्विट्जरलैंड के विच कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो कितने स्टेप्स ने? चार स्टेप्स ने। वेरी फर्स्ट है ड्राफ्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, उथे का प्रशासन ड्राफ्ट तैयार करूंगा, मसौदा तैयार करूंगा, बिल तैयार करूंगा। दूजे नंबर पे की होएगा? कंसल्टेशन ऑफ फेडरल स्टेट। ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਅਖੰਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪਾਸਡ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਪਾਸਡ, ਆਖਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, पॉसिबिलिटी ऑफ दी रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब कि लोग, लोगों तो राय ली जाएगी, लोगों तो राय ली जाएगी। ठीक है, आ चार स्टेप्स होंगे ने। किन्ने स्टेप्स ने? उत्थे दी विधि विधान वाले चार स्टेप्स ने। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस तीन महीनों के विच की है 50,000 सिग्नेचर्स इकट्ठे किए जाएंगे, लोगों की आम राय ली जाऊगी उस बिल वास्ते। तीन महीनों के विच पूछा जाऊगा 50,000 लोगों तो कि भी रेफरेंडम करवाया जाए या ना करवाया जाए, रेफरेंडम करवाया जाए या ना करवाया जाए। तो यह रेफरेंडम किस वास्ते होएगा? जे स्विट्जरलैंड दा किसी कंट्री दे नाल संबंध बनाना है चंगा, जा किसी इंटरनेशनल ट्रीटी नू निभाना है, जा फिर बाकी लॉज बनाने ने, मतलब कि स्विट्जरलैंड दे लोगों नू पूछा जाऊगा कि तुसी यूरोपियन यूनियन नू ज्वाइन करना है, तुसी वर्ल्ड बैंक नू ज्वाइन करना है, तुसी IMF नू ज्वाइन करना है, मैंबर बनना है, तुसी UNO दा मैंबर बनना है या नहीं। तो तीन महीने लगनगे 50,000 लोगों तो राय ली जाऊगी कि रेफरेंडम करवाया जाए या ना करवाया जाए। जे रेफरेंडम हो गया, जे रेफरेंडम हो गया, जे आम जनमत संग्रह हो गया, आम लोगों तो राय ले लीती गई है, रेफरेंडम हो गया, जिहड़ा भी रेफरेंडम दे विच डिसीजन लिता जाऊगा ना, जिहड़ा भी डिसीजन रेफरेंडम दे विच फाइनल होएगा, ओह लीगली बाइंडिंग होएगा, ओह लीगली बाइंडिंग होएगा स्विट्जरलैंड दे लई। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ओनली बी मोडिफाई इफ इट रिसीविंग अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। कहिंदे स्विट्जरलैंड दे संविधान दे विच चेंजेस मोडिफिकेशन उदो होवेगी जदो उत्थे मेजोरिटी ऑफ लोकां ने, लोकां दे बहुमत ने, लोकां दे बहुमत ने राय दित्ती है, ताही उत्थे मोडिफिकेशन हो सकती है उत्थे दे संविधान दी। तां आम लोकां दे हत्थां च शक्ति है उत्थे दे संविधान दे विच कुछ भी तब्दीली करन वास्ते, कुछ नवां ऐड करन वास्ते। यस गाइस, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिहड़ी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड दी, वह एक होर नाम नाल भी जानी जाती है, उन्होंने बोलते हैं डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिहड़ी स्विट्जरलैंड दे विच डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है वह किसी होर एक नाम नाल भी जानी जाती है, डायनामिक, डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन। यह याद रखियो, यह जे क्वेश्चन एग्जाम च बनते होंगे ने डायनामिक। ठीक है जी, स्विट्जरलैंड दे विच की है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसके केड़े केड़े फीचर्स ने नोट करोगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी दे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के केड़े केड़े फीचर हो सकते हैं। वेरी फर्स्ट है रेफरेंडम बाय द सिटीजन्स, रेफरेंडम बाय द सिटीजन्स मतलब आम लोगों तो राय ली जाऊगी उस चीज वास्ते। रिकॉल, रिकॉल गाइस, यह वर्ड तुम समझना जरूरी है, रिकॉल का मीनिंग की है, रिकॉल का मतलब की है, कॉलिंग बैक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अपने इंडिया दे विच जे कोई MP या MLA अपनिया ड्यूटीज नहीं निभा रहा, अपने काम जिहड़े आपां जिस चीज वास्ते उन्हां नूं चुनिया है, इलेक्ट किया है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स पाइया ने किसी MP नूं, किसी चंगे उम्मीदवार नूं, जे वो अपनिया ड्यूटियां नहीं निभा रहा, चंगा किस जगह तो कहलाऊगा फिर वो? कि उन्हों अपना वापस बुला सकते हैं कि भी अपनी गद्दी छड़ो, अपना अस्तीफा दे, कि लोग इकट्ठे होके कह सकते हैं तो वह MP या MLA सीट छड़ दूगा? नहीं छड़ूगा। 5 साल जिहड़ा लग गया पेंशन लग गई, उहदी किहड़ा छड़ूगा? पर स्विट्जरलैंड दे विच की है, जिहड़ा कोई MP या MLA ना अपनी ड्यूटीज प्रोपरली निभा नहीं रहा, तो उसनों वापस
बुला लिया जाऊगा रिकॉलिंग बैक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमपी या एमएलए। तीजे नंबर पे इनिशिएटिव शुरुआत, उथे दे संविधान दे विच कुछ तब्दीली करनी है। इस चीज की शुरुआत कितों होएगी? लोगों तो होएगी कि स्विट्जरलैंड ने किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते नूं फॉलो करना है, मनना है, मेंबर बनना है, पार्टिसिपेशन करनी है, तो उथे दे लोगों तो मनी जाए मिलेगी, या फिर स्विट्जरलैंड की इकोनमी के उपर यह फायदे होंगे, लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा, ये उथे ते लोग शुरुआत करेंगे। थर्ड पॉइंट के विच इनिशिएटिव लॉज मेकिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय द सिटीजंस मेजोरिटी मैटर्स। थोड़ा मैं दसिया ना मेजोरिटी मैटर्स 50,000 लोग दे सिग्नेचर्स विद इन अ 3 मंथ्स, ये सारा कुछ इस दे विच आएगा। तो ध्यान रखियो स्विट्जरलैंड दे विच की है, दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, उत्थे नैशनल लैवल दे दी अलग सिटीजनशिप है, स्टेट लैवल दी अलग सिटीजनशिप है। ये भी साइड ते तुसी लिख लियो, कुछ फीचर्स लिखवा रहे हैं मैं थोनू, फीचर्स गाइस। तो पहला तो थोनू मैं समझाऊंगा कि भी शुरुआत किवें हुई सी उत्थे। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट बारह सौ कानवे सीई कॉमन ईरा दे विच स्विट्जरलैंड दे विच केड़ा सिस्टम सी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन सी। ते एह हुण किस दे विच बदल गया? एह गाइस हुण किस दे विच बदल गया? एह हुण बदल गया है नाउ, एह की है ओनली रिपब्लिक है, गणतंत्री है, फेडरल रिपब्लिक है, गणतंत्री है, स्टेटा सारिया मिलके की है फेडरल सिस्टम बना रही ने, रिपब्लिकन है। ते अपना इंडिया की है डेमोक्रेटिक भी है ते रिपब्लिकन भी है, ये ध्यान रखियो अपनी प्रीएम्बल दी वेरी फर्स्ट लाइन दे, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, असी भारत दे लोग, भारत नूं की मनाम जा रहे हैं, प्रभु सत्ता संपन्न सामाजिक पंथ निरपेख लोकतंत्री ते गणतंत्री, तो आप लोकतंत्री ते गणतंत्री बोथ हाँ दोनों ही हाँ, पर स्विट्जरलैंड ओनली बेस्ड होना रिपब्लिकन सिस्टम। इट इज नाउ हेडेड बाय seven member plural executive। तो guys, अपने भारत का मुखी कौन है? Who is head of the state? अपने भारत का मुखी कौन है? राष्ट्रपति है, एक ही जना है ना, पर स्विट्जरलैंड दे विच सत व्यक्ति स्विट्जरलैंड नूं संभालदे ने, तां उत्थे की है प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, यह खासियत है इस समय प्लूरल। ते ये सत मैंबरां नूं चुनिया चुनदा कौन है? ये सत मैंबरां नूं चुनदा कौन है? उत्थे दी पार्लीमेंट, कित्थे दी पार्लीमेंट? स्विट्जरलैंड दी जो पार्लियामेंट दे दोने हाउसेस ने ना वो चुनते ने इसनू, ते सारियां पॉलिटिकल पार्टीज उथे दियां सारियां पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशंस इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, यस आह चीज है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव दी एग्जाम्पल केड़ी है? स्विट्जरलैंड है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दी? यस। डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन दी? यस। लोकां दे हत्थां च शक्ति है,
स्विट्जरलैंड ताही तो उन्होंने स्टार्टिंग से किया यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ अलग है देश की जो ब्यूटीफिकेशन है ना वो तो है ही है। ध्यान रखियो स्विट्जरलैंड पंजाब तो भी छोटा है, स्विट्जरलैंड के पहाड़ों की हवा फ्रैश एयर पैक होके एमाजोन ते अदर प्लेटफॉर्म्स के उपर सेल हो रही है, तुम्हें पता है चीज के बारे। एक होर अनोखी चीज थोड़ा मैंने दस दी, दिस इज अनदर फैक्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। सात व्यक्ति संभाल रहे हैं जिन्होंने कि दोनों पार्लियामेंट के सदन इलेक्ट कर दे। अगे ध्यान देखियो स्विट्जरलैंड का जेड़ा संविधान सी वो 1868 च बनिया सी, लिखिया भी गया ते अडॉप्ट भी किया गया, लिखिया भी गया ते अडॉप्ट भी किया गया 1848 च। पर इसनों रिवाइज कदों किया गया, इसनों रिवाइज किया गया सी 1874 दे विच, 1874 च इसनों रिवाइज किया गया। रिवाइज करन तो बाद यह कदों तक चलिया, रिवाइज करन तो बाद गाइस यह 1874 तो लैके कदों तक चलता रहा सी, यह चलता रहा सी 1999 तक, 1999 तक। पहली बार बनिया 1848 च, 1874 च रहा, 1874 च फिर रिवाइज किया, फिर कदों तक बनिया रहा 1999 दे विच। डायनामिक समय समय सिर की इस बदलाव लिया गए, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। फिर होया कि टोटली रिवाइज करता गाइस, हुण ए नहीं पता अगे जाके कितनी बार रिवाइज होगा, पर हुण जिहड़ा लास्ट टाइम रिवाइज होया उसके बारे दस रहा। टोटली रिवाइज, टोटली रिवाइज, टोटली रिवाइज कदों होया गाइस, उत्थे दी पार्लियामेंट ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, इसका जो ड्राफ्ट तैयार होया सीगा, जो नवा ड्राफ्ट तैयार होया सी, ओ होया सी, मैं डेट समेत दसूंगा, डेट है 18 दिसंबर 1998 च की इसका ड्राफ्ट तैयार होया। लोकां ने ते उथे दी स्टेट ने, लोकां ते उथे दी स्टेट्स ने इसनू अप्रूवल कदों दिती है, 18 अप्रैल 1999 दे विच। देख लो लोकां दी अप्रूवल मिली है इसनू, अगेन यूनिकनेस। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इशूड बाय द स्विस पार्लियामेंट, ते स्विट्जरलैंड दी जेड़ी पार्लियामेंट है उसने अपनी परमिशन करो दिती है 28 सितंबर 1999, ते केम इन टू फोर्स, ते आखिर दे विच की है लागू कदों कदों होया, केम इन टू फोर्स 1 जनवरी 2000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जिहड़ा न्यूएस्ट न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड केम इन टू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2000। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहना इतने कि दुनिया का न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन केड़ा है, दुनिया का सब नवा संविधान किस कंट्री का बना है, कॉमेंट बॉक्स के विच की है इस दे? कोई आंसर दई हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो दुनिया का जो न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लास दे मैं तुम्हें एंड दसूंगा। जेड़ा यह संविधान है इस दे विच टोटल आर्टिकल्स किन्ने ने, टोटल आर्टिकल्स किन्ने ने गाइस, जेड़ा नवा बनया है इस दे विच हैगे ने 196 ने, ते 6 पार्ट्स ने, जिवें कि अपने 395 आर्टिकल्स ने किन्ने पार्ट्स च डिवाइड किया गया सीगा, 22 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया सी। ते जेड़ा 1874 सी, 1874 वाले दे विच 123 आर्टिकल्स,
1874 वाले च की सी 123। द न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर मैं क्लास के एंड च दसूंगा। अगे बिल ऑफ राइट्स, स्विट्जरलैंड के लोगों को कितने तरह के अधिकार मिले ने? 34 राइट्स, 34 राइट्स ऑफ पीपल्स, उत्थे दे लोगों को 34 तरह के अधिकार प्राप्त ने। उत्थे दी प्रीएम्बल, जो उत्थे दी प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी जिहड़ी शुरुआत होंदी है ना, उसकी शुरुआत पता कित्थों होंदी है? इन द नेम ऑफ एलमाइटी, गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड एलमाइटी, सॉरी गॉड एलमाइटी फर्स्ट आएगा, गॉड एलमाइटी, वी दिस स्विस पीपल एंड कंटोन्स, असी स्विट्जरलैंड के लोग अते उथे दे स्टेटां दे लोग, इस चीज तो शुरुआत होंगी, जिमें अपने इंडिया च वी द पीपल ऑफ इंडिया, यूएसए दी वी द पीपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ता डायरेक्ट डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई सी 1848 च इन द एंड। सो आई होप कि थोनू आ सारी चीजा समझ आ गई होनगियां। सो थैंक यू सो मच फॉर बने रहने वास्ते, ठीक है। सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के, प्लीज अपना कीमती फीडबैक जरूर देना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। नैक्सट जिहड़ियां वीडियोज़ ने उस दे विच होर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप समझ सकते हो, तुम भी अगे जाके टीचर्स बनना है, ठीक है, तो समझ सकते हो सारा कुछ। तो बाय एवरीवन।